इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। आज लेकर के चलते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 12 को और यहां पे हम लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। आज के इस प्रैक्टिस की श्रृंखला वर्ष 2016 TET के प्रीवियस ईयर का पेपर है जो पूरी तरीके से यहां पे आपको इसका सॉल्व और एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए दोस्त हम यहाँ पे देख लेते हैं। आज एक बार आप कंफर्म कर देंगे कि क्या आपको आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही है और आपको साफ दिखाई दे रहा है, एक बार आप कंफर्म कर देंगे। एक बार आप कमेंट करके कंफर्म कर देंगे। एक बार आप कमेंट करके कंफर्म कर देंगे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल यस यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्त पहले हम प्रैक्टिस करा लेते हैं, उसके बाद आपसे एक छोटी सी बातचीत हो जाएगी। चलिए चलिए बिल्कुल 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 आते हैं प्रश्न नंबर एक की ओर। और प्रश्न नंबर एक में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। ए कह रहा है नीम, बी कह रहा है देवदार, सी कह रहा है चीड़ और डी कह रहा है ओक। तो साहब एक घरेलू उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है नीम। नीम की पत्ती कड़वी होती है और कीटाणुओं के विनाश के लिए या कीटाणुओं को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैविक कीटनाशक उत्पादक वृक्ष हमारा मूल रूप से है कौन सा, नीम होगा। दोस्त आते हैं प्रश्न नंबर दो के क्रम में। प्रश्न नंबर दो कह रहा है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो देखिए भू पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कह रहा पृथ्वी पर पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़े ऊर्जा का स्रोत कौन है। ए कह रहा सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, शुक्र है। तो साहब पृथ्वी पे पारिस्थितिकी तंत्र पर ऊर्जा की बात कर रहा है शुक्र। शुक्र से हमें मूल रूप से पृथ्वी पर कुछ भी नहीं मिलता। चंद्रमा, चंद्रमा से भी हमें विशेष रूप से कुछ नहीं मिलता। बी कह रहा पृथ्वी। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत अगर हम जैविक अजैविक घटक के अगर हम अस्तित्व की बात करते हैं तो ये घटक तो जिंदा है इसलिए कि ये सूर्य यहां पे आदर्श स्थिति ऊर्जा दे रहा है। तो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत होगा सूर्य, पृथ्वी भी नहीं होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर तीन के क्रम में आएंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। अर्थात कहने का सेंस ये है कि कौन सी हमारी निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष ऐसा है जो मूल रूप से रेगिस्तान में, मरुस्थल में या मूल रूप से ऐसी भूमि पर पाई जाती है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। क्योंकि मरुस्थल शब्द की परिभाषा ही कहा जाता है कि वह भूमि जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है और वहां की भूमि जल की कमी, तापमान की अधिकता के कारण बालू के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। कह रहा क्या महोगनी पाई जाती, कैक्टस पाई जाती, फर पाई जाती, चंदन पाई जाती है। तो साहब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि यहां पर कैक्टस प्रमुख रूप से पाई जाती है। प्रश्न नंबर चार के क्रम में आएंगे। प्रश्न नंबर चार कह रहा है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो देखिएगा साहब एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, एक होता है मानव निर्मित उपग्रह। प्राकृतिक का मतलब कि जो ब्रह्मांडी सिद्धांतों के अनुसार जो ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था, विस्फोट के दौरान स्वतः ही निर्मित हुए हैं। और मानव निर्मित उपग्रह का मतलब होता है वे उपग्रह जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा करके यहां से ऊपर की ओर भेजा गया है। तो बात करा प्राकृतिक उपग्रह की, ए करा वरुण, बी करा बुध, सी करा शनि और डी करा शुक्र। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा शनि। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो अगर पूछता है, अब देखिए यहां से एक प्रश्न और बन जाएगा कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तब आप यहां पर लगा देंगे क्या। देखिए प्रश्न आंसर के माध्यम से जब प्रश्न बनाएंगे तो आपका आंसर टाइटन हो जाएगा। आइए दोस्त प्रश्न नंबर पांच के क्रम में आते हैं। कह रहा बायोडीजल की फसल। ए कह रहा कपास, बी कह रहा जट्रोफा, सी कह रहा कि कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है, कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। तो देखिए साहब कपास
ये प्रमुख रूप से हमारा यहाँ वस्त्रों के निर्माण के लिए हो गया, आलू भोजन के लिए हो गया, गन्ना, गन्ना भी हमारा सर का यहाँ पे चीनी वगैरह इत्यादि की हो गया, जेट्रोफा हमारा पौधा बायोडीजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर छह कह रहा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ए कह रहा क्या 1982 में हुआ था, बी कह रहा 1986 में, सी कह रहा 1992 में और डी कह रहा 1996 ईस्वी में। तो देखिएगा साहब, भारत का पहला पर्यावरण संरक्षण सॉरी विश्व में पहला जो पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ था उसका नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को भारत अपने यहाँ लागू करने के लिए उसने 1986 ईस्वी में अधिनियम बनाया था जिसका नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 1986 का अधिनियम आने का एक और भी कारण था, 1984 ईस्वी में हुआ भोपाल गैस दुर्घटना जो हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है, जो 2-3 दिसंबर 1984 की घटना थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हुआ था। इन दोनों 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बातों को लागू करने के लिए और भोपाल गैस त्रासदी जैसी बड़ी यहाँ पे संकट को झेलते हुए 1986 में हमारे यहाँ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जारी किया गया। आइए दोस्त प्रश्न नंबर 7 के क्रम में आते, कह रहा भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। भूमंडलीय तापन का मतलब है कि पृथ्वी पर बढ़ता हुआ ताप का कारण क्या है, पृथ्वी पर बढ़ते हुए ताप का कारण क्या है। कह रहा हिमनद में वृद्धि, तो बर्फ में अगर वृद्धि हो जाएगी तो क्या इससे हमारा यहाँ पे निचले स्तर के वायुमंडल में कभी तापमान में वृद्धि होगी, नहीं। कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि और कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, कह रहा वनों में वृद्धि, तो ये तो नहीं होगा। डी भी कह रहा नहीं होगा, वनों में वृद्धि होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेंगे और हमारे वायुमंडल में हरित गृह प्रभाव के माध्यम से बढ़ने वाले तापमान पे कंट्रोल करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, तो वनों में वृद्धि होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होगी तो हमारा वायुमंडल में तापमान में वृद्धि नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है। बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि होने से पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का यहाँ पे या कह सकते ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होगा, अर्थात निचला वायुमंडल गर्म होगा, यही कारण है भूमंडलीय तापन का। तो दोस्त सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। प्रश्न नंबर 8 के क्रम में आ रहा है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैव विविधता सर्वाधिक होने के लिए दो शर्त होती है, नंबर एक तापमान में वृद्धि और दूसरा होती है सर्वाधिक वर्षा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये हमारी जो भूमध्य रेखा होता है, ये सर्वाधिक तापमान और संवहनी वर्षा के माध्यम से दैनिक वर्षा भूमध्य रेखी क्षेत्र में होती है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर के 23.5 डिग्री के बीच में सर्वाधिक तापमान और सर्वाधिक वर्षा होती है और इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न है कि किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सही आंसर है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बायोम। आते हैं प्रश्न नंबर 9 के क्रम में, कह रहा निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है। तो देखिए साहब, लावा का मतलब हो गया कि जब पृथ्वी के ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पृथ्वी के बाह्य सतह पर जब आकर के आंतरिक तत्व जमता है तो लावा कहलाता है और वो जब अंदर होता है तो मैग्मा। मैग्मा 600 डिग्री सेल्सियस से लेकर के ये 1200 डिग्री सेल्सियस के मध्य इसका तापमान होता है और एकदम तप्त अवस्था में। तो कोई भी खनिज जब 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म हो जाएगी तो उस खनिज का रंग हो जाता है काला। तो इस काले प्रकार के चट्टानों से या ये जो लावा काले रंग का पाया जाता है इसके क्षरण से महत्वपूर्ण रूप से काली मृदा का निर्माण होता है जो कपास जैसी फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों का को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ इस प्रकार से हमारे पृथ्वी की संरचना है, ये हमारी परत क्षोभ मंडल कहलाती है, ये बीच की परत समताप मंडल, ये हमारी मध्य मंडल, फिर हमारी आयन मंडल और सबसे ऊपरी हमारा बाह्य मंडल। तो देखिएगा साहब, ये हमारा जो दूसरा समताप मंडल होता है इसी मंडल में हमारे ओजोन गैस की हमारी परत पाई
जाती है। और यह परत हमारे करता क्या है कि यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है और हमारे पृथ्वी पर त्वचा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से हमारी रक्षा करती है। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11 के क्रम पे आते हैं और प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य क्या था? तो दोस्त, गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य था गंगा नदी में जो जल में प्रदूषित हो रहा था, जल की प्रदूषण को कम करना अर्थात जल की गुणवत्ता को बढ़ाना था। दोस्त आइएगा प्रश्न नंबर 12 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, अभी हमने एक्सप्लेन किया कि मध्य प्रदेश में कौन सा झीलों का शहर कहलाता है, तो ध्यान दीजिएगा झीलों का शहर कहा जाता है भोपाल को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13 लेते हैं कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? तो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है उसके छात्रों का विश्वास। देखिए साहब, आप सेवा कर रहे हैं, आप पूरी निष्ठा से सेवा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में आपके प्रति विश्वास नहीं तो आपकी सेवा का कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चे आप अपनी कार्य के बदले वेतन ले रहे हैं लेकिन अगर छात्रों में विश्वास नहीं है तो आपकी मेहनत, आपकी वेतन दो की दोनों प्रभावित हो जाएगी। और आपको भले ही अपने शिक्षण पर गर्व हो लेकिन अगर आप बच्चों में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो आपका गर्व किसी भी काम का नहीं होता। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 14 पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से अगर गलत नहीं पाया जाता है तो वह क्या बन जाता है? तो अगर आप परिकल्पना कहते हैं किसी समस्या का संभावित उत्तर, मतलब हम कोई समस्या सॉल्व करने जा रहे हैं, दिमाग में जो उत्तर बना लेते हैं वह उत्तर ही हमारा जो संभावित होता है। अभी हमने प्रयोग सफल नहीं हुआ है लेकिन हम बना लिए कि ये होने वाला है, ये हमारी परिकल्पना कहलाती है। और वो बना करके हम लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करते हैं और बार बार करने पे अगर वो गलत नहीं होता बल्कि सही हो जाता है तो वही हमारा बन जाता है क्या? सिद्धांत। आइए दोस्त प्रश्न नंबर 15 के क्रम पे आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो देखिए, सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि होती है विचार गोष्ठी जहां सभी के मत को लिया जाए और बालकों को क्रियाशीलता, मतलब बालक को क्रियाशील करके और सिखाया जाए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16 के क्रम में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिएगा साहब, कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक, ये हमारा कह सकते हैं सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी करती है, मेथेन भी करती है, लेकिन हीलियम हमारी यहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 के क्रम में आएंगे। कह रहा है ध्वनि प्रदूषण का मापन किसके द्वारा किया जाता है? एकदम बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल के माध्यम से किया जाता है। दोस्त आएंगे प्रश्न नंबर 18 के क्रम पे। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर होगा सुवर्ण रेखा नदी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा सभी नदी बंगाल हमारा प्रमुख रूप से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है? हिमानी इस तरीके से, तो देखिए साहब, कह रहा है कि यू आकार की घाटी। तो देखिए, हिमानी इस प्रकार से है, यू आकार की घाटी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20, राकेश कक्षा 5 के पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता था, सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है? पर्यावरण शिक्षण की का महत्व में हमने बताया था, सबसे पहले जब आपको समस्या आए, दूसरे क्रम पर एक शिक्षक को चाहिए कि वह समस्या का निदान करे। निदान का मतलब होता है समस्या का कारण जानना। उसके बाद शिक्षक का तीसरा कार्य होता है कि वह समस्या का क्या करे, समाधान करे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। समस्या यहाँ पे राकेश ने समस्या उत्पन्न कर ही दिया है, आपका है कि निदान मतलब कारण जानिए और समाधान मतलब उसको उचित मार्गदर्शन दीजिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21 के क्रम पर आइएगा। कह रहा है ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सड़क के किनारे ढेर सारे वृक्ष लगाया जाए जो वाहनों के से उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण को ये रोके, यही है हमारा मुख्य रूप से क्या, ग्रीन मफलर।
आइए दोस्त प्रश्न नंबर 22 के क्रम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो इसका सही आंसर है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। आइए दोस्त प्रश्न नंबर 23 के क्रम में आते हैं। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। सही आंसर होगा प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। आते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 24 के क्रम में आते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो देखिए साहब, शाकाहारी का मतलब हो गया वे जीव जो पौधों को या इसके किसी भाग को खाकर अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, तो शाकाहारी को हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और वे जीव जो जो केवल और केवल मांस खा करके या प्राथमिक उपभोक्ता को खा करके अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता, और जिनमें शाकाहारी मांसाहारी दोनों का गुण पाया जाता है वे कहलाते हैं सर्वाहारी, उनको तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 25 के क्रम में आते हैं। प्रश्न नंबर 25 है पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भू जैव भू रासायनिक चक्र, पारितंत्र के चक्रण। तो देखिए जैव भू मतलब जीव के द्वारा भूमि में लगातार आना, फिर से जैव के रूप में परिणित होना, यही हमारा चक्रण जैव भू रासायनिक चक्रण कहलाता है। जैसे हमारा एक ये पौधा हुआ, ये पौधा विकसित हुआ, ये मानव बन गया। ये देखिएगा, जैसे ये एक हमारा पौधा है, पौधे का पौधा हुआ, ये इस पौधे को खाया प्राथमिक उपभोक्ता, हमने माना कि ये हमारा हिरण है, हिरण ने खाया, हिरण को फिर से खा लिया शेर ने, फिर शेर जब मृत हुआ तो इसको अपघटक लगे और इसको सड़ा गला करके फिर से मृदा में मिला दिए। सही आंसर भूजैव रासायनिक चक्र। प्रश्न नंबर 26 करा, निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पादित करता है? तो देखिए साहब, डीजल जाहिर सी बात है, पेट्रोल कोयला, तीनों सर्वाधिक मात्रा में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन हमारा सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है। आइए दोस्त प्रश्न नंबर 27 में आते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। तो देखिए साहब, पांडा हमारा विश्व वन्य जो संरक्षण है इसका हमारा प्रतीक है, और इसका प्रतीक मुख्य रूप से माना जाता है सफ़ेद पांडा को, लेकिन हमारा जो यहाँ पे लाल पांडा की जो बात होती है, संकटग्रस्त पांडा, तो ये प्रमुख रूप से पाया जो जाता है वह हमारा पाया जाता है कहाँ? चीन में। आइए प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2-3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हमारे भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। 29 कह रहा है किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो दोस्त जो हमारा देखिए गर्मी का मतलब हुआ कि क्रिसमस मनाया जाता है हमारा कब? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का मौसम होता है, इसका मतलब वह देश जो दक्षिणी गोलार्ध में होगा वो वहाँ पे गर्मी के समय में क्रिसमस, तो दक्षिणी गोलार्ध में हमारा देश है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 30 कर रहा है गिर वन्य अभ्यारण में कौन सा वन्य जीव संरक्षण करता हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर से, गिर वन्य जीव अभ्यारण का संबंध सीधे तौर से शेर पर है। चलिए दोस्त, हम यहाँ पे देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण कमेंट्स को। अगर आप कोई प्रश्न, अगर कुछ आपसे बातचीत चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए था ये आपका प्रैक्टिस सेट संख्या 12। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट संख्या 13 के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू।